तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपके साथ आम का कूचा या आम का लच्छा अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना काफ़ी आसान है, ये एक से दो दिन में खाने के लिए तैयार हो जाता है और बनने में सिर्फ इसे 15 मिनट लगता है। आम का कूचा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 आम लिया है, बिल्कुल कच्चा आम है और इसे छील लिया है। पहले अच्छी तरह से धो के मैंने आम को सुखा लिया था, पोंछ लिया था, फिर उसे छील लिया है। अब यहाँ मैंने 3 आम लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है, इसे अच्छी तरह से कुचल लिया है। ये आप पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें पानी ज़रा भी ना हो। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी लेंगे, 1 टेबलस्पून नमक लेंगे और सरसों का तेल। सबसे पहले इस कच्ची केरी या कच्चे आम को कस लेंगे, इस तरह से मोटा मोटा। आम को अच्छी तरह से कस लिया है और इसकी गुठली अलग कर लेंगे, इसमें गुठली नहीं डालना है। सारी केरियों को अच्छी तरह से कस लिया है। अब इसे एक शीशे के बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी, मिर्चा, कलौंजी और अजवाइन, इन सबको इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, लेकिन वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून और नमक डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। अब इस अचार को एक शीशे के जार में रखेंगे, ध्यान रहे इसमें पानी ज़रा भी ना हो। इस अचार को मैं धूप में सूखने के लिए रखूंगी, तेल अभी मैं आज इसमें नहीं डालूंगी। इसे इस तरह से एक कपड़े से, बिल्कुल बारीक पतले कपड़े में से ढक के रबर बैंड लगा दूंगी और इसे धूप में रखूंगी। अचार को मैंने धूप में रख दिया है। एक दिन धूप में रखने के बाद से इसे उलट पुलट कर देंगे। ध्यान रखना है पलटने के लिए जो चम्मच आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी ज़रा भी ना लगा हुआ हो, वो बिल्कुल ड्राई हो। अब इस अचार में सरसों का तेल डालेंगे। मैंने इसमें 1 कप सरसों का तेल डाला है। इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। पलटने से तेल बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। थोड़ा और इसमें तेल डालेंगे। अब इसे फिर से कपड़े से ढक देंगे और धूप में रखेंगे। एक दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 3 दिन हो गया है, अब ये लच्छा अचार या आम का कूचा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर इसमें तेल का ध्यान रखा जाए और थोड़ा थोड़े दिन पे धूप में रखा जाए तो ये साल भर तक भी चल जाता है। तो देखा आपने, ये अचार बनाना कितना आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है।
तो एक बार इसे ज़रूर बना करके देखें। अगर आपको मेरी इस अचार की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।